अगर आपके पास $10 million हो तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी मैं डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है जिंदगी में वो समझें कि टारगेट नहीं होता, गोल नहीं होता। तो $10 वाला ये एक एक्सरसाइज भी मैं कई दफा जब कोच करता हूँ तो मैं लोगों को करवाता हूँ, $10 million आप फर्स्ट करो क्या करोगे? ऑब्वियसली हो सकता है आप कोठियां खरीदें, पहले प्रॉपर्टी को अच्छी सी खरीदेंगे, कारें गाड़ियां खरीदेंगे, शो ऑफ करने का होता है, हम मानते नहीं है लेकिन शो ऑफ करते हैं अपने इलाके में अपने मोहल्ले में कि ले जी हम अमीर हो गए हैं, कोई पजारो शजारो इस तरह की V8 गाड़ियां लेके वो जरा दिखानी है। उसके बाद हो सकता है जिस तरह आप घूमे फिरे, जिस तरह मैं कोशिश करता हूँ हर 6-8 हफ्तों में किसी किसी नए मुल्क में जाऊँ। इस वक्त मैं थाईलैंड में हूँ, थाईलैंड में आपको पता है कि किस चीज के लिए मशहूर है, लेकिन उस चीज के लिए नहीं मैं आया, यहाँ कल्चर है, यानी मैं उसके जो छोटे एरियाज होते हैं वहां जाता हूँ, किसी मुल्क के लोगों से घुल मिल के उनकी फिलॉसफी बहुत दिमाग खुलता है। बट एनीवे वापस आते हैं क्वेश्चन पे, $10 million तो क्या करेंगे? ये सारी चीजें आप हो सकता है करें, लेकिन अल्टीमेटली करते करते अगर आप ये भी सोचें कि आप हॉलीडे पे निकल जाएंगे, दुनिया घूमेंगे, एक टाइम आएगा कि आप थक जाएंगे और उस तरह से मजा नहीं आना, तो एंड में सुकून क्या आता है? दूसरों के लिए जब आप हेल्प आउट करते हैं। कुछ लोगों को जो पैसे का खास तौर पे मैं हमेशा कहता हूँ कि टारगेट बनाओ, जिंदगी में हर चीज का टारगेट होना चाहिए, सोशल वर्क करना है, मस्जिदें बनानी है, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, गरीबों की मदद करनी है, एक क्लियर गोल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पल्ले कुछ नहीं है तो रियलाइज दिस, उस तरीके से आप पैसों से दूसरों की मदद नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मोमेंट जो है ना, जो मिलीनियर मोमेंट है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये नेगेटिविटी पैसे की खत्म करें। अगर पैसा हमारा होता क्या कि हम पैसे की तरफ भागते भी हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जो नजर आए कि भाग रहा है उसका क्लियर हो जाए फिर उसकी अच्छी खासी लेते भी हैं, वो इसलिए कि ये बुरी बात है। हालांकि अगर आप जीरो पे हो यार, आपने घर का गुजारा तो करना है, किचन को चलाना है ना, तो सबसे पहले एक टारगेट बना लें कि $10 million वाकई हर कोई अचीव कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक रास्ता आपको अपनाना पड़ता। नंबर 1 क्लियर टारगेट कि 2030 तक 2025 तक दिसंबर तक मैंने $10 million के लेवल पे पहुंचना है, फिर उस एक टारगेट बना के जेब में डालेंगे, रोजाना उठ के देखेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, खुद ब खुद रास्ता बनता है, स्पिरिचुअल एक सिस्टम है जब आप फोकस करते हो किसी एक चीज पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले क्लियर टारगेट बनाएं, फिर रोजाना उस पर वर्कआउट करें, यानी आप फर्ज करें लेवल है ना, अगर आप जीरो पे हो, आप कोई ऑनलाइन काम करोगे, पढ़े लिखे हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, लोगों को सर्विसेज दो, तो आपने वो $1000 पे पहले पहुंचना है मंथली पे, फिर उससे $5000 तक, फिर 5 से 10 हजार। अब हमारे ओवरसीज ज्यादातर जो लोग हैं वो ये 5 से 10 हजार, $15000-$20000 के लेवल पे हैं, लेकिन अभी भी लंबी लंबी शिफ्टें लगा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी जॉब्स पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन अभी भी काम करना पड़ रहा है। उनके लिए नेक्स्ट टारगेट ये पहले फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? वो जो आप $10-15-20 हजार महीने कमा रहे हो खुद ब खुद है, उनके लिए काम आसान है। वो कैसे? अब आपके पास सेविंग्स आ गई है, पैसा आ गया, पैसे से पैसा बनाओ। वो कैसे करते हैं? आप बिजनेस एक चलता हुआ पकड़ें जिसमें आप पैसा डालें, वो और ग्रो हो जाएगा, 5 गुना 10 गुना हो जाएगा और आपको एक उसका शेयर मिल जाएगा, यानी आप उसके साइलेंट पार्टनर बन जाएंगे, वो बढ़ता है, आपको मंथली इनकम भी आना शुरू हो जाएगी और इसकी वैल्यू साल 2 साल में बहुत ज्यादा कई दफा बढ़ जाती है, उससे आपका नेटवर्थ भी जो है ना बढ़ेगी। तो $10 million की नेटवर्थ का टारगेट करें। अब जीरो पे हो तो यार 5-10 साल दोगे, अगर आप हैं यानी प्रोफेशनल लेवल पे हैं, करोड़पति पहले से हैं और जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर 2-4 साल के अंदर ये हो सकता है, लेकिन क्लेवर तरीके से आप पैसा से पैसा बनाना है। तो सबसे पहले मकसद क्या था? टारगेट बनाओ अपनी, उसका डेट लिखो, पर्ची बनाओ, जेब में डालो और रोजाना उठ के इस पे सोचना, इस पे काम करना, और फिर जब रास्ता नजर आ जाता है फिर उस पर लग पड़ो। पागलों की तरह लग पड़ोगे, कोई टारगेट भी हासिल कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, नेगेटिविटी नहीं, इसलिए अमीर हो जाओ कि लोगों को भी मदद कर सको। थैंक यू वेरी मच।